मिले थे आप उनके पहले पिक्चर देखी? नहीं, पहले मेरे को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, ना इतना इंटरेस्ट था मतलब सलमान से, मतलब कोई लगाव इतना वो नहीं था। जब उनसे मैं मिला, उनके साथ रहा, बातचीत की, तो मेरे को इंसान नहीं बहुत अच्छे इंसान लगे, बहुत ही मतलब एक लोग कहते हैं ना घमंडी इस तरह, ऐसा कुछ नहीं, बाकी बहुत ही अच्छे इंसान थे। 3 दिन मैं रहा, मुझे पता नहीं लगा और खुशी हुई मुझे उनसे मिलने के बाद। हाँ, खाना खाया था, खाना भी उन्होंने मेरे साथ खाना खाया था, जो मैंने खाया था वही खाते थे। मेरे पास जहाँ मैं सोता था वहीं वो सोए थे, जैसे कि उनको टाइम पास करने के लिए अंदर कैरम वगैरह मिलते हैं, चेयर्स मिलती है, वो मेरे साथ खेली उन्होंने, मैंने खिलाया उनको। और काफ़ी मतलब 2 दिन के बाद से काफ़ी मायूस थे, 2 दिन के बाद जब उनसे बातचीत वगैरह की तो मतलब काफ़ी अच्छे नॉर्मल हो गए थे। और जैसे कि सब्जी भी खिलाई थी उनको, जिन में नहीं मिलते सोयाबीन थे टाइप की सब्जी थी वो खिलाई थी, चेयर्स वगैरह खेले थे, बुक्स वगैरह पढ़े थे, कुछ दिन का नॉर्मल टाइप के हो गए थे। स्ट्रेट देख के हाँ, तो बातें क्या क्या हुई? बातें यही कोई थी, जैसे कि उन्होंने पूछा था जेल में किस तरह कैदी रहते हैं, इस तरह तो मैंने बताया था बुजुर्ग टाइप के कैदी रहते हैं, तो उन्होंने ये सुनकर काफ़ी मतलब मायूस हुए थे, काफ़ी बोला था। और जैसे कि कुछ ऐसे बंदी ऐसे कैदी होते हैं जो कुछ दिन के लिए आते हैं, मतलब छोटे मोटे केस में आते हैं, उनका जुर्माना होता है मात्र 100 रुपये 200 रुपये और वो भर नहीं पाते, उसके लिए वो कम से कम 3 महीने 4 महीने रहते हैं। तो सलमान खान ने कहा था कि भाई इनका जुर्माना अगर मैं भर दूँ तो ये निकल सकते हैं, उन्होंने उनकी कोशिश करी मगर किसी कारणवश मतलब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से वो भर नहीं पाए थे। और मेरे को भी कहा था जब वो जा रहे थे तो मेरे को कहा था कि 20,000 तुम्हारा देता, मगर मैंने मना कर दिया था। जबरदस्ती काफ़ी कहा था, मेरा जुर्माना था 50,000 रुपये, तो जाते वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा जुर्माना भरने के लिए, मगर कानूनी कुछ प्रक्रिया ऐसी होती है जो बंदी वहाँ से निकलता है वो कुछ मतलब दूसरे की हेल्प या दूसरा जुर्माना नहीं भर सकता। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही रॉयल अच्छे इंसान है। सोयाबीन मड़ी के बारे में बताइए क्या हुआ? सोयाबीन मड़ी की है कि मैं हालांकि अंदर सोयाबीन मड़ी मिलती नहीं है, मगर मैं ओपन सीओ था, मुझे मतलब इस चीज़ की छूट थी ये सोयाबीन मड़ी बनाने खाने के लिए, तो मैंने रात को सोयाबीन मड़ी वगैरह बनाई थी, खिलाई थी, उन्होंने खाई भी थी, खाते नहीं थे मगर मैंने बनाकर लेकर आया तो उन्होंने टेस्टी लगी, उन्होंने खाई थी। मैंने उनको कहा भी था, मैं कहिए आप खाते रहे सवेरे कुछ हो ना जाए, तो सवेरे पेपर न्यूज में आ गए ये सोयाबीन की बड़ी कहाँ से आ गई। स्टूडेंट ने मेरे को जिला ने मेरे को कहा कि भाई जब तू इसके वार्डन है, तू इसके साथ में रहता है और सारा ध्यान तेरे ही अटक है, तो ये सोयाबीन की बात बाहर कैसे गई? मैं कहा सर ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो बाहर जाता नहीं ना, मुझे मालूम। तो इस चीज़ को लेकर मेरे को मतलब काफ़ी मतलब जेल काफ़ी क्या 10 दिन का मेरा रेमिशन कट गया। आप जेल में उस समय क्या कर रहे थे? मैं ओपन सीओ था, मैं भी बंदी हूँ, बंदी था वहाँ पर, अब तो नहीं, अब तो निकल चुका हूँ मैं भी, मतलब एक कैदी था मैं, एक ओपन सीओ था जो बाहर आ जा सकता। मेरे को उनको उनके ना वार्डन के साथ से रखा गया था उनकी हेल्प के लिए, उनका क्योंकि किसी भी बंदी को अकेले नहीं रखा जाता है। और किरदार के बारे में बताएंगे? किरदार मेरा वही है जो अंदर जेल में था। मेरा भी एक मर्डर केस था सर, एक रियलिटी है, रियलिटी है। सर जब आप निकल रहे थे, सलमान निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? जब वो निकल रहे थे तो उनके पास टी शर्ट थी और मतलब कुछ कपड़े थे, उन्होंने मेरे को दे गए थे, और मेरा सैंडो बनियान था, तो उन्होंने कहा था ये बनियान मेरे को निकाल के दे जो मैंने पहन रखा था। तो मेरा बनियान थोड़ा गंदा हो रहा था, मैंने कहा ये तो तुम्हारे आएगा भी नहीं है, बोले नहीं तो दे निकाल कर। तो मैं कहा मेरे पास दूसरा बड़ा, मैं लिया कर देता हूँ। मैंने दूसरा अपना सैंडो बनियान लिया कर दिया, सैंडो बनियान लिया उन्होंने, फिर मेरे को बोला एक ब्लेड लेकर आ, मैं ब्लेड लेकर आया, उन्होंने ब्लेड से सैंडो बनियान को नीचे से काटा और वो पहन के तब वो बाहर निकल गया। मैं कहा ये क्या है? बोले ये मेरा स्टाइल है। अगर सलमान को पता चलेगा कि आप फिल्म बना रहे हैं उनके ऊपर, तो आपको क्या लगता है कैसे रिएक्ट करेंगे वो? कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की उनसे? कोशिश की थी मगर मैं कॉन्टैक्ट कर नहीं पाया मेरे भाई। वो टीवी के बारे में बताइए जो जेल वालों को। और सलमान खान मैंने ही कहा था सलमान खान जी को, मैंने कहा सर क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया जेल के अंदर रहते रहते, मेरे करीब उस टाइम 12 साल हो गए थे जब सलमान खान जी अंदर गए थे, तो मैंने कहा था, मैंने कहा यहाँ पर एक कैदी की मनोरंजन के लिए कोई सुविधा नहीं है, ओनली फॉर एक टीवी है जो एक ही हॉल के अंदर कम से कम
हज़ार आदमी है, 500 आदमी एक बैठ के देखते हैं जो देख नहीं पाते ढंग से। तो सलमान खान ने कहा कि मैं टीवी लगा दूँ क्या, मैं लगा सकता हूँ क्या? मैंने कहा हाँ आप लगा सकते हो, एक डोनेशन टाइप दे सकते हो अंदर। तो सलमान खान ने कहा ठीक है मैं इस चीज़ को दूंगा, मगर कुछ कानून के हिसाब से, जैसे कि वो अंदर थे और कैदी के हिसाब से थे, इस हिसाब से वो टीवी नहीं दे पाए थे, दे नहीं पाए थे क्या, कुछ कानून के हिसाब से नहीं दे पाए थे वो। बाकी उन्होंने यस कर दिया था और देने को तैयार भी थे, पैसा देने तैयार थे, मेरे को 20,000 देते, मैंने मना कर दिया था।